हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नवीश गार्डन में। दोस्तों, आज फिर से हम एक और नया वीडियो लेकर के हाजिर हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डीएपी के बारे में। दोस्तों, डीएपी के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले दो वीडियो बना दिए हैं और उसके अंदर मैंने पूरे डिटेल से बताया, लेकिन फिर भी कई लोगों के जो है वो कमेंट्स आ रहे थे और वो लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि हम मात्रा कितनी रखें। तो एक बार और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ आज कि हम डीएपी की मात्रा किस पॉट में कितनी डालें। डीएपी जो है दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है और इसको डालने से क्या है, पौधे के अंदर एक रूट्स की जो है वो ग्रोथ होती है। दोस्तों, पौधा जल्दी से रूटिंग करना स्टार्ट कर देता है और अपने स्टेम को मोटा कर लेता है, मतलब जड़ें मजबूत हो जाती हैं और जो तना है वो उसका थोड़ा सा मोटा होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर अच्छी अच्छी पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये डीएपी जो है आपको किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाता है। किसी भी शॉप का मतलब है जहाँ पर आपको बीज मिलते हैं, खाद मिलती है, जो कृषि से संबंधित दुकानें होती हैं दोस्तों उनके ऊपर आसानी से मिलता है। ये ब्राउन और ब्लैक दो कलर में आता है और दानेदार होता है। देखिए, मैंने तो इसमें ला करके रखा हुआ है। इसकी जो कीमत है दोस्तों 100 रुपये में ये 1.5-2 किलो के आसपास आ जाता है, तो आप आसानी से इसको ला सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। ये हर एक सोशल साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन, सभी पे मौजूद है दोस्तों। ये आसानी से, ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये डीएपी होता है और इसमें ये इस तरीके के दाने होते हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव फर्टिलाइज़र है। इसका ज़्यादा यूज जो है पौधे को ख़राब कर सकता है। इसकी मात्रा अगर सही रखी जाए तो ये पौधे के लिए वरदान भी है। तो दोस्तों, आज हम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मात्रा का ध्यान रखने वाले हैं कि मात्रा कितनी रखें, तो मैं आज आपको साथ के साथ ये बताऊंगा कि पौधे का साइज, सॉरी गमले का साइज़ क्या हो और उसमें कितनी मात्रा हो। दोस्तों, ये देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कितने दिन बाद करें। तो इसका यूज़ जो है दोस्तों कम से कम भी महीने में या 1.5 महीने के गैप पे करें। 30 दिन के बाद ही इसका यूज करें, ज़्यादा जल्दी जल्दी इसका यूज ना करें। अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी इसका यूज करेंगे तो पौधे मर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं मात्रा। मात्रा बिल्कुल थोड़ी सी रखेंगे दोस्तों। जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे ये पॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये वाला पौधा है, ये 12 इंची के पॉट में लगा हुआ है और 12 इंची के अंदर मैं इसके 10 दाने दोस्तों, ये देखिए, ये बिल्कुल आपके चीनी के जो मोटी चीनी होती है उसके बराबर के दाने हैं और 10 दाने जो हैं वो हम एक पॉट के अंदर डालेंगे 12 इंची के अंदर, 10 से 12 दाने, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे दोस्तों। इसके 10 से 12 दाने ही 12 इंची के पॉट के लिए काफ़ी हो जाते हैं पौधे के अंदर जान लाने के लिए। तो हमने साइज़ डिसाइड कर लिया, 12 इंची के अंदर हम कितने डालेंगे, 10 से 12 दाने। उसके बाद फिर 16 इंची का जो पॉट हो जाता है, जो बड़ा पॉट जैसे कि ये वाला है, इसके अंदर हम कैसे डालेंगे, कम से कम भी 20 दाने के आसपास डाल देंगे। उसके बाद हम अब बात करते हैं हमारे 20 इंची के पॉट की, बड़े पॉट की। तो हमारी जो चम्मच होती है दोस्तों, टीस्पून जो होती है घरों में हम यूज करते हैं, उसका एक चम्मच भर के हम डाल सकते हैं उसके अंदर। अब सबसे बड़ी बात यह है डालें कैसे। तो दोस्तों, डालने का जो तरीका है, सही तरीका, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ एक बार। जैसे ये गमला है, इस गमले की मिट्टी जो है ये अच्छे इस तरीके से सारी मिट्टी को ऐसे पहले हम इस तरीके से भुरभुरा बना लेंगे, साइडों में से ऐसे भुरभुरा बना लेंगे, इस प्रकार की मिट्टी बना लेंगे कुछ साइडों में से। पौधे की जड़ों के पास आपको नहीं डालना है, जो गमले की बाउंड्री है साइड साइड वहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि ये 10-12 दाने मैंने लिए अंदाजे से और इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर ऐसे गुड़ाई करके और इस मिट्टी के अंदर मैंने डाल दी और वापस से मिट्टी ऊपर से ढक दी दोस्तों। मिट्टी को वापस से ऊपर से ढक देंगे, मतलब इसको मिट्टी में दबा देंगे इस तरीके से साइडों में, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, बिल्कुल, क्योंकि सूखी मिट्टी थी, अभी हमने इसको क्या किया है, ऐसे भुरभुरा किया, अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम एक रात या फिर 2 दिन के लिए हम छोड़ देंगे गमले को, पूरे पौधे के अंदर जो हो पानी जाएगा, साथ के साथ फर्टिलाइज़र को भी लेकर के जाएगा। इसी तरह से हमको सभी गमलों के अंदर अपना करना है और 1.5 महीने के गैप के बाद इसको डालना है। 1.5 महीने से कम ना हो, ज़्यादा भले ही हो जाए, 2 महीने भी आप कर सकते हो, लेकिन महीने के अंदर ही 2 बार मत डाल देना, नहीं तो पौधे को नुकसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, मेरे सारे पौधे जो अच्छे से चल रहे हैं, मैं लगभग इनके अंदर सारे तरह के फर्टिलाइज़र डालता हूँ, कुछ केमिकल भी डाल लेता हूँ और बाकी ऑर्गेनिक पे ही ज़्यादा मैं डिपेंड हूँ दोस्तों। ऑर्गेनिक में एक सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करने वाले फर्टिलाइज़र आपको बता देता हूँ, गोबर की खाद यूज़ करता हूँ, वो भी बहुत पुरानी हो, 2-2.5 साल पुरानी गोबर की खाद मिल जाती है, जो वर्मी कंपोस्ट के जैसी ही रूप ले लेती है और उसका कोई नुकसान नहीं होता। उसके अंदर जो ग्रोथ होती है पौधों की वो ज़बरदस्त होती है दोस्तों। तो अगर आपको भी वो मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो आप वर्मी कंपोस्ट मंगवाइए और वर्मी कंपोस्ट के अंदर अपने पौधों को चलाइए, उससे बेस्ट और उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है।
जितने भी आपको लोग बताते हैं कि ये डालो वो डालो, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। वर्मी कंपोस्ट को आप 6 महीने के गैप पे अपने पौधे के अंदर कम से कम भी 2.5 से 3 इंच मिट्टी निकाल करके वो भर दें, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी की लेयर कर दें, उसके ऊपर से ऐसे कवर कर दें और बस उसको छोड़ दें। उसमें आप देखोगे पौधे की ग्रोथ और उस पौधे की जान कितनी आती है दोस्तों। तो DAP से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर फिर भी आपके मन में DAP से जुड़ा कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जो आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी आ रहा है बार बार में कि किन पौधों में डालें। गमले की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब बात आती किन पौधों में डालें, मतलब जो फ्रूट वाले पौधे हैं उनमें डालें। तो दोस्तों सभी के लिए ये कि आंसर है, आप किसी भी टाइप के पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो इनडोर हो, चाहे वो आउटडोर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का पौधा क्यों ना हो, सकुलेंट प्लांट हो, उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, सभी के अंदर ये डाल सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ये बहुत पुराने समय से खेतों के अंदर यूज होता आया हुआ फर्टिलाइज़र है, जो कि वेल सर्टिफाइड है। हम गार्डनिंग में इसका कम मात्रा में यूज़ करते हैं, लेकिन किसान जो है हर फसल के ऊपर इसका इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज करता है और पूरे के पूरे 10-10 किलो के अंदर जो है इसको स्प्रिंकल करता है। तो दोस्तों आप भी इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।